हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइनीस किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं स्टारबक्स की जावा चिप वाली कॉफ़ी। सो गाइस, हम तो स्टारबक्स जाकर बहुत महंगी महंगी कॉफ़ी पीते हैं। सो गाइस, अब आप इसको घर पे भी बनाकर ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सेम ही टेस्ट रहेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए एक मिक्सर जार। तो मैंने यहाँ पर ये जूसर वाला जार लिया है और यहाँ है हमारे पास कॉफ़ी। तो मैंने यहाँ पर आधी चम्मच कॉफ़ी और एक चम्मच चीनी को गर्म पानी में डालकर मिक्स किया है और पानी को हल्का सा ठंडा कर लिया है। तो ये हमारी ब्लैक कॉफ़ी बनकर तैयार हो गई है। वो कॉफ़ी हमने इसमें डालनी है। तो एक कप ब्लैक कॉफ़ी और हम इसमें डालेंगे कुछ बर्फ़। अब हम इसमें डालेंगे एक कप ठंडा दूध और यहाँ पर है हमारे पास डार्क चॉकलेट। आप चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हो, डेरी मिल्क भी इसमें यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर गाइस, एक्चुअली में तो जावा चिप वाली कॉफ़ी में डाला जाता है मार्शमेलो। तो गाइस, मार्शमेलो अगर आपके पास नहीं है तो आप सबसे सिंपल ये हर एक दुकान में आपको अवेलेबल मिलेगा, जो कि है लॉटी चोको पाई। तो आप इसको डालिए इसमें, या फिर आप ओरियो भी डाल सकते हो। दो चार ओरियो के बिस्किट को तोड़कर डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक लॉटी चोको पाई तोड़कर इस तरह से मिक्सर जार में डाल रही हूँ। अब आपको डालना है इसमें कोको पाउडर। एक चम्मच कोको पाउडर डालना है। कोको पाउडर नहीं है तो आप ड्रिंकिंग चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हो इसमें। बस गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको लो स्पीड पर इस तरह से चलाना है मिक्सर को। एक से दो मिनट चलाने के बाद यहाँ पर ले लिया मैंने ग्लास, कोई भी ग्लास ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके हल्का हल्का से बस ऊपर ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है। तो इसी ग्लास में मैं सर्व करूँगी हमारे स्टारबक्स वाली जावा चिप कॉफ़ी को। और ऊपर से मैं थोड़े से डेरी मिल्क के टुकड़े डाल दूँगी। और बस हमें इसमें डालना है एक स्ट्रॉ। और गाइज, इंजॉय कीजिए आपने स्टारबक्स जैसे बिल्कुल जावा चिप वाली कॉफ़ी को। सो गाइज, आई एम डैम श्योर कि अगर आप इसको बनाओगे तो ये बिल्कुल स्टारबक्स जैसी दिखेगी। तो आपको अब बाहर जाकर इतनी महंगी स्टारबक्स में जाकर इतना महंगा कॉफ़ी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि आप घर में ही पड़े हुए कुछ इन्ग्रीडियंट्स के साथ इतनी बढ़िया चीज़ बना सकते हो। सो गाइज, आप इसको अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए।